ओलंपिक में नामीबिया के 22 साल के बॉक्सर जोनस जूनिस पर मेड के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। पुलिस ने जोनस को गिरफ्तार कर लिया है। रियो में सोमवार को ओलंपिक के सुरक्षा इंतजामों को लेकर सिक्योरिटी अथॉरिटीज ने नेशनल इस्लामिक यूनियन के नेताओं से मुलाकात की। हाल ही में ब्राजील पुलिस ने 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध ISI से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। लंदन में डेल्टा एयरलाइंस के कंप्यूटर सिस्टम्स क्रैश होने के चलते हीथरो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस खराबी के चलते दुनिया भर में डेल्टा एयरलाइंस की कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, जबकि कुछ की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सीरिया के दमिश्क में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर सीरियाई सरकार के लड़ाकू जहाजों ने बमबारी की। बमबारी में कितनी मौत हुई इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। दमिश्क से 11 किलोमीटर दूर दराया में हेलीकॉप्टर से बैरल बम भी गिराए गए। चीन के मकाओ में सैलानियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 32 यात्री घायल थे। बस की वैन से टक्कर हुई थी। ड्राइवर बस से नीचे उतरकर नुकसान को देख रहा था, तभी बस चल पड़ी और एक क्लिनिक में जा घुसी। चीन में कई दिनों से जारी बारिश के बाद भूस्खलन से हुनान प्रांत में भारी नुकसान हुआ है। भूस्खलन का असर 13 शहरों पर पड़ा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में अस्पताल में हुए बम ब्लास्ट पर UN महासचिव बान की मून ने दुख जताया है। क्वेटा में सोमवार को हुए ब्लास्ट में करीब 74 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग जख्मी हैं। धमाके की जिम्मेदारी ISI ने ली है। लीबिया के सिर्ज शहर पर सरकार समर्थित सेना कब्जा करने के करीब पहुंच चुकी है। सिर्ज शहर में ISI के खिलाफ इस हमले में अमेरिकी फाइटर प्लेन और ड्रोन बमबारी कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो नेशनल पार्क में लगी आग को बुझाने की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। फायर फाइटर आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही है। आग से 4500 एकड़ का इलाका प्रभावित हुआ है। अमेरिका के टेक्सास में 14 साल के बच्चे की गिरफ्तारी को लेकर उसके पिता ने केस दर्ज कराया है। पिता ने स्कूल पर सिविल राइट्स हनन का आरोप लगाया है। पिछले साल सितंबर में बच्चे ने स्कूल प्रोजेक्ट में एक हाथ घड़ी बनाई थी। टीचर ने घड़ी को बम समझ बच्चे के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। स्कूल ने हनन के आरोपों से इनकार किया है।